69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद अभी तक की अपडेट लेकर आया हूँ। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित और 72,825 शिक्षक भर्ती से संबंधित और उत्तर कुंजी कंटेंट से संबंधित तीनों अपडेट आपको लेकर आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले 6800 और डबल आरक्षण से संबंधित जो केस 2 तारीख को संभावना थी, यानी कि 2 तारीख की काज लिस्ट आ चुकी है, लेकिन अपना केस उस काज लिस्ट में नहीं है। एक खुशी की बात ये थी कि आज जस्टिस राजन राय की बेंच बैठी थी और मामला सुन भी रही थी कोर्ट नंबर 9 में, और ये संभावना थी कि यदि काज लिस्ट आती तो निश्चित रूप से जस्टिस राजन राय ही इस मामले को सुनते, क्योंकि विवेक चौधरी सिंगल बेंच में बैठने लगे थे। अभी दोस्तों सारी कोर्टें अस्त व्यस्त हैं, रोस्टर अभी फिर से चेंज हो सकता है। अभी एक तरह से रोस्टर ऐसे ही अस्त व्यस्त है। 2 जजेस जो नए आए हैं, जस्टिस मनोज बजाज और जस्टिस डी रमेश, वो दोनों हाई कोर्ट इलाहाबाद में बैठ रहे हैं, जबकि जो है दो जज जो है लखनऊ हाई कोर्ट से जा चुके हैं, जैसे देवेंद्र उपाध्याय जी जो कि जस्टिस चीफ जस्टिस बनकर बॉम्बे हाई कोर्ट गए हैं, तो एक दिनेश कुमार सिंह जस्टिस जो कि केरल हाई कोर्ट गए हैं। तो उस हिसाब से 2 हाई कोर्ट के जज जो है वहाँ जाना चाहिए लखनऊ में, लेकिन जो है अभी ऐसे ही चल रहा है। और चूंकि एक सीनियर जज यहाँ से जा चुके हैं, तो एक सीनियर जज हो सकता है आने वाले समय में इलाहाबाद हाई कोर्ट से यहाँ ट्रांसफ़र हो लखनऊ में डीबी में बैठने के लिए। तो ये सारी समस्याएं हैं, थोड़ा सा अभी रोस्टर भी आने वाले समय में चेंज हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 तारीख की काज लिस्ट में ना आने की वजह से कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लिस्ट में मुकदमा चला गया, ये हो गया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि पास ओवर मैटर है तो अभी सबको इंतज़ार करना चाहिए, इस पर किसी तरह का लिस्टिंग एप्लीकेशन नहीं डालना चाहिए अभी इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक इंतज़ार करना चाहिए। चाहें तो आप किसी सीनियर से सलाह ले लें जो लोग इसमें लीडिंग याचिका वाले हैं, क्योंकि जो है पास ओवर मैटर आफ्टर 5 वर्किंग डे इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ जाता है, लेकिन जो है किन्हीं कारणों से यदि नहीं आ पाता है तो आने वाले वीक में आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास ओवर मैटर है, चूँकि शार्ट आर्डर में पास ओवर दिखा रहा है, तो हो सकता है मंडे टू फ्राइडे इसी हफ्ते में किसी काज लिस्ट में आ जाए, अन्यथा अगले हफ्ते में आ जाए। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना चाहिए। आप लिस्टिंग डालेंगे तो आफ्टर 3 वीक केस लग जाएगा, या आफ्टर 2 वीक लग जाएगा, या आफ्टर 4 वीक भी लग सकता है, तो निश्चित रूप से 1 महीने लंबा भी डेट जा सकता है। इस वजह से मेरा मानना है कि जल्दबाजी में अभी कोई लिस्टिंग एप्लीकेशन न डाले, जिससे कि नुकसान हो सकता है। अभी पास ओवर है तो निश्चित रूप से इस हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे भी आ सकता है ये केस। तो इसलिए दोस्तों, जो भी हमारे लीडिंग याचिका वाले हैं जो कि आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि कृपया करके इस हफ्ते देख लें, मंडे टू फ्राइडे में संभावना है आ भी सकता है, नहीं तो अगले हफ्ते आने के चांस रहेंगे। आप जल्दबाजी में किसी जूनियर की सलाह पर जो है कोई लिस्टिंग न डालें, अन्यथा 1 महीना भी डेट खिसक सकता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जस्टिस राजन राय ही इस समय डीबी में बैठ रहे हैं, जस्टिस विवेक चौधरी सिंगल बेंच में बैठने लगे हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि जस्टिस राजन राय ही अपने मैटर को सुने। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंटेंप्ट में जो है, जो लखनऊ बेंच में कंटेंप्ट थी 25 तारीख को सुनवाई हुई थी, उसमें आने वाले हफ्ते में जो है शार्ट आर्डर में आया था, तो निश्चित रूप से इस हफ्ते में उसका भी काज लिस्ट में आने के संकेत हैं। तो दूसरी तरफ जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी यही हाल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है अभी लिस्टिंग एप्लीकेशन डाला गया है, और चूंकि वो लिस्ट में मुकदमा चला गया था तो उसमें लिस्टिंग एप्लीकेशन डाला गया है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये संभावना है कि आफ्टर 4 वीक या 3 वीक ही डेट मिलेगी कंटेंप्ट में उत्तर कुंजी में। आज 72,825 की शिक्षक भर्ती में भी सुप्रीम कोर्ट में जो 1100 याचियों के बचे हुए याची थे, जिसमें 839 की नियुक्ति हुई थी और 261 को नियुक्ति नहीं मिली थी, उस पर 2 हफ्ते बाद डेट लग गई है। यद्यपि आज गवर्नमेंट वकील ऐश्वर्या भाटी की तरफ से पुरजोर विरोध हुआ कि 72,825 की भर्ती पूर्ण होने के इतने साल बाद जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने एक चीज़ ये भी कहा कि 2 कंटेंप्ट खारिज हो गया है, फिर भी ये लोग बार बार आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को जज साहब ने सुना भी और
अब ऑर्डर आए देखा जाए कि वो चीज़ें उसमें कंसीडर हुआ है कि नहीं हुआ है। अब अगली डेट पर जो है याचिकाकर्ताओं की तरफ से इन बातों का खंडन किया जाएगा कि आखिर दो बार कंटेंट किस चीज़ की खारिज हुई है और क्यों खारिज हुई है। जज साहब जब संतुष्ट होंगे तभी इस पर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, अन्यथा जो है ये केस भी जो है खारिज हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है यदि याचिकाकर्ताओं ने संतुष्ट नहीं किया जज को, तो चूँकि ऑर्डर में ये चीज़ लिखा जा चुका है, ऐश्वर्या भाटी ने जो कहा जो है वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने उसको सुना और ऑर्डर में इसको नोट भी किया है। अब देखने वाली बात होगी, ऑर्डर अपलोड होगा तो देखा जाए आखिर जब दो बार कंटेम्प्ट खारिज हो गया, यद्यपि कंटेम्प्ट जो भी खारिज हुआ था उसमें जो है ये 261 वाले मामले नहीं थे, 12091 का मामला था और एक कोई कंटेम्प्ट उन्होंने बताया है जो खारिज हुआ है, तो ये चूँकि अलग है। इस पर जो है अगली डेट पर यदि जो है पटिशनर के वकील ने कुछ संतुष्ट किया तो निश्चित रूप से कोर्ट आगे जो है उस पर कदम उठाएगी। और दोस्तों 72825 नए जो विज्ञापन पे जो है आर्डर हुआ है कि जो लोग एक एक ज़िले से 500-500 रुपये करके फार्म भरे थे, 75 ज़िलों से कितने लोग 37,500 रुपये तक खर्चा किए थे, उस विज्ञापन पर यदि भर्ती नहीं हुई तो उसको मतलब एक पिटिशनर गया था जो कि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने उनको स्पष्ट आदेश दिया कि पिटिशनर जो 37 जिलों में भरा है उसका 18,500 रुपये 10 दिन के अंदर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल जी उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। वहाँ पर गवर्नमेंट वकील की तरफ से कहा गया कि अलग अलग ज़िलों में जो है डायट प्राचार्य को जो है मतलब वो आवेदन लिया गया है, वो लोग आगे प्रक्रिया, तो उन्होंने स्पष्ट आर्डर में लिखा दिया है जज साहब ने कि जब सचिव के खाते में पैसा गया तो क्यों ना सचिव उसको रिफंड करें, अलग अलग ज़िलों में जो है अभ्यर्थी एक्सरसाइज क्यों करें। ये सारी चीज़ें जो है ऑर्डर में आया है और 8 तारीख को डेट भी लगा है, 8 तारीख तक जो है रिफंड करके कोर्ट को सूचित करने का कहीं ना कहीं जो है उसमें ऑर्डर किया गया है। और जो है 8 तारीख को देखने वाली बात है उस एक याचिकाकर्ता को जो कि कोर्ट में गया था उसको 18,500 सचिव ने वहाँ सरकारी वकील ने माना भी है कि हम 10 दिन के अंदर जो है, क्योंकि पहली डेट पे जब सुनवाई हुई थी तो सरकारी वकील ने कहा था कि हम इसमें जो है इंस्ट्रक्शन लेके बताएंगे, फिर दूसरी डेट पे जब सुनवाई हुई तो गवर्नमेंट वकील अर्चना सिंह चौहान ने कहा कि हमने सचिव से इंस्ट्रक्शन लिया था और वो तैयार हैं इनको जो है 10 दिन में रिफंड करने के लिए। तो कोर्ट ने इनको जो है ऑर्डर दिया है कि 10 दिन में रिफंड करते हुए 8 तारीख को हमें सूचित करें। तो निश्चित रूप से जो बच्चे 72825 के, काफ़ी बच्चे जो 37,500 तक खर्चा किए हैं या 25,000-30,000 खर्चा किए हैं, वो भी जो है याचिकाकर्ता के रूप में अपना एक आदेश प्राप्त कर लें और डायरेक्ट रिफंड करवा लें। चूँकि देखिए तमाम लोग जो है जो फार्म भरे थे अलग अलग डाइट प्राचार्यों के यहाँ, वो सब जो है 3-4 साल बीतने के बाद भी इन्होंने पैसा वापस नहीं किया। कुछ लोगों का तो आधा अधूरा जो है वापस आ गया, हमारा खुद जो है 50 जिलों का था जिसमें से कम से कम 20 जिलों का वापस आ गया, हमारे भाई साहब का 60 जिलों का था उनका भी 2500 जिलों का वापस आ गया, तो कहीं ना कहीं 25,000 रुपया हमारा फंसा है, 30,000 हमारे बड़े भाई का फंसा है, 55,000 तो हमारे घर का ही फंसा है जब उस विज्ञापन पर भर्ती ही नहीं हुई, तो पैसा हमें रिफंड चाहिए। कुछ लोग इसमें जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं नए विज्ञापन पर भर्ती होगी, आखिर एक जब एक बार टेट मेरिट पर भर्ती हो गई, एक पद पर दो भर्ती संभव है क्या? आप ही सोचिए, एक 72825 की टेट मेरिट पर भर्ती हो गई, 72825 पर एकेडमिक मेरिट की भर्ती होगी क्या? यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लिबर्टी दिया था सरकार को कि सरकार चाहती तो कर देती, लेकिन सरकार एक पद पे दो भर्ती नहीं करेगी क्योंकि उसको नए भी अभ्यर्थियों को मौका देना है। इस पर जो है तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में गए और इसके बाद जो है क्यूरेटिव पिटिशन में भी गए, सब जगह गए लेकिन उनको कहीं से लाभ नहीं मिला। रिट पिटिशन में भी गए, अच्छे खासे बड़े वकील भी खड़ा किए, कपिल सिब्बल को भी खड़ा किए, लेकिन यूयू ललित ने इस याचिका को खारिज करना चाहा तो उस समय याचिका वापस ले ली गई और वापस लेने के बाद जो है फिर से हाई कोर्ट में कुछ लोग 5,000 याचिकाकर्ताओं को जोड़ते हुए जो है इसको कह रहे हैं कि हम न्याय पाएंगे। सोचो जो 12 साल बिता दिया और भी जो ओवर एज हो चुके हैं बच्चे, उन बच्चों को जो है 12 साल अभी और लड़ाना चाहते हैं ये लोग, इनको अब क्या कहा जाए? काफ़ी सीनियर हैं लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन उनसे ये कहना चाहता हूं कि इतना आसान नहीं है जितना आप लोग, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका, रिव्यू खारिज हो चुका,
क्यूरेटिव पे कुछ नहीं हुआ, तो वो मैटर जो है फिर से आप सिंगल बेंच में अभी लड़ रहे हैं 2 साल से, फिर कह रहे हैं डबल बेंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आखिर सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड मैटर को आप क्या सिंगल बेंच और डबल बेंच सुनेगी क्या, फिर सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनेगी? तो इसलिए जो है उन बच्चों के फीलिंग से मत खेलिए, और जो लोग पैसा अपना लिए मतलब लगाए हैं वो लोग अपना पैसा ले लें तो ज़्यादा सही है। क्योंकि देखिए, आप यदि डाक द्वारा जो है आवेदन लिया गया था तो 2500-3000 रुपया सब डाक में खर्चा कर दिए थे, उसमें भी आधा अधूरा सबका वापस आ गया। अगर जो है आदमी याचिकाकर्ताओं का आदेश हो रहा है इसमें, तो निश्चित रूप से आप अपना पैसा जो है, जो कि हम मेरे ख्याल से अक्सर जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है 25,000-30,000 के नीचे नहीं होगा, तो निश्चित रूप से अगर कुछ पैसा खर्च होके जो है अगर आपका आदेश प्राप्त हो रहा है और 10 दिन में आपका रिफंड हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये करना चाहिए। और बाकी आपकी इच्छा, चूँकि मैं तो भाई, मेरा भी 25,000 फंसा है, मेरे भाई साहब का 30,000 फंसा है, 55,000 हमारे घर का फंसा है, तो निश्चित रूप से मैं इसको भी जो है बहुत जल्द दाखिला करूँगा। और उसके लिए हमारे साथ जो है और भी लोग, कुछ लोग आ रहे हैं, मैं उनको साथ लेते हुए जल्द ही याचिका करूँगा, क्योंकि ये 55,000 रुपये काफ़ी मायने रखते हैं। ऐसे ही तमाम बच्चे सोचिए, 72825 की नए विज्ञापन के लिए 290 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा है, और 11 साल हो गए। आज 11 साल में अगर देखा जाए तो बैंक भी जो है डबल कर देते हैं अमाउंट, लेकिन जो है सरकार लेके बैठी है। आखिरकार जो है आज अब जो है हाई कोर्ट का आदेश हुआ है, निश्चित रूप से उसको रिफंड करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे जो सूचना होगी हम देते रहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 और डबल आरक्षण की जो याचिका आज की 2 तारीख की काज लिस्ट में ना आने के कारण आप लोग दुखी होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ दिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। जल्दबाजी में अगर लिस्टिंग एप्लीकेशन डालेंगे और कोर्ट ने अगर आफ्टर 3 वीक या 4 वीक दे दिया, तो निश्चित रूप से फिर आपका जो है नुकसान हो जाएगा, 1 महीना लंबी डेट चली जाएगी। और यदि जो है थोड़ा सा 1 हफ्ते आप इंतज़ार कर लेंगे तो पास ओवर मैटर लग जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी जो है जो भी लीडिंग याचिका वाले हैं, सीनियरों से जो है सलाह लें, यदि जो है ज़रूरी हो तभी लिस्टिंग। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी है, जहां तक मेरा अनुभव है 7 सालों का जो है न्यायपालिका में। पास ओवर मैटर में आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, अन्यथा जो है आप 1-1.5 महीने लंबी डेट पाएंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। देखिए, इलाहाबाद में तो 4 हफ्ते बाद डेट मिलती है, लखनऊ में भी 2 हफ्ते बहुत रेयर केस में मिलती है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद ही मिलती है। केसों की स्थिति को देखते हुए जज साहब लगाते हैं। तो दोस्तों, आगे जो सूचना होगी मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन जो है कंटेंट पे भी, उत्तर कुंजी कंटेंट पे भी जो है यही स्थितियाँ हैं। मजबूरी में इलाहाबाद में लिस्टिंग डालना पड़ा है, और उस पर जो है जल्द ही 2 दिन बाद सुनवाई होगी, और जब सुनवाई होगी तो उसमें आफ्टर 3 वीक 4 वीक जो भी आएगा मैं आपको सूचना दूंगा। और लखनऊ में कंटेंट की जो वो है, उसमें संभवतः जो है इसी हफ्ते मंडे टू फ्राइडे में आने